हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और उसमें प्रेजेंट डिफरेंट सेल ऑर्गनलीज कौन कौन से हैं तो साइटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दी थी स्ट्रोस बर्गर ने दी थी फॉर द पार्ट ऑफ द सेल जो प्रेजेंट है किसके इन बिटवीन की सेंटर में तो न्यूक्लियस है बाहर सेल मेम्ब्रेन है तो उसके इन बिटवीन जो स्पेस है वो सारा क्या बोला गया साइटोप्लाज्म बोला गया और साइटोप्लाज्म में दो पार्ट बोले गए साइटोसोल एंड सेल ऑर्गनली तो जो लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर फिलअप सारा वो क्या बोला जाता है साइटोसोल और उस लिक्विड पार्ट के अंदर क्या भी प्रेजेंट मिलेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेलीज प्रेजेंट मिलेंगे तो साइटोसोल क्या है लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली को छोड़ के जो लिक्विड पार्ट है सारा साइटोप्लाजम में वो क्या बोला जाता है साइटोसोल फिर आता है सेल ऑर्गेनलीज कि सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है तो वो डिफरेंट फंक्शन सेल किसकी की एल साइड परफॉर्म करती है जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर रहते हैं साइटोप्लाजम के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं और सेल ऑर्गेनली हैं वो किससे से रहते हैं मेम्ब्रेन क्लोज करती है उनको तो ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली हैं वो प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होते हैं तो इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द अब्सेंस ऑफ इट डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहती प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड नहीं है उनका न्यूक्लियर रीजन साथ साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेलीज भी उनमें क्या रहते हैं अब्सेंट रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेलीज भी अब्सेंट रहते हैं उनमें बस एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनालीज मिलता है कौन सा राइबोसोम फिर अदर एंड जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलती है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज उनमें क्या भी मिलेगा मेम्ब्रेन एंड क्लोज सेल ऑर्गेनलीज में मिलेंगे जो मेम्ब्रेन से क्लोज हैं तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस है सेल ऑर्गेनलीज की बेस की कि उनके अंदर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज अब्सेंट होंगे जबकि प्रो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं फिर आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है कि वैसे तो अपने सेल ऑर्गेनली हैं वो अब सब अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनली ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी है वो क्या है कोऑर्डिनेटेड कि वो एक के साथ एक मिलकर फंक्शनिंग करते हैं तो वो सेल ऑर्गेनली जो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग करते हैं सेल के अंदर उन सब को क्या कौन से सिस्टम में इंक्लूड करते हैं क्या बोल देते हैं एंडो सिस्टम तो ये ये कि भाई ईच ऑफ द मेमब्रेन ऑर्गेनलीज है उसका डिस्टिंग फंक्शन है डिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग अलग है बट मैन ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टूगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो बट उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोल देते हैं बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड वो कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग करते हैं और इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से मेन फोर सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूड हैं ये नाम याद करने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स ये चारों किस्म के इंक्लूड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते कि सिंस दी फंक्शनिंग ऑफ माइट्रोकोंड्रिया हो गया प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पर ओक्सीजोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दी अबोव कंपोनेंट तो इनकी एक्टिविटी माइट्रोकोड्रिया की क्लोरोप्लास्ट की परोक्सीजोम्स की इनके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होती इनसे अलग रहती है तो दीज आर नॉट कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट काउंट नहीं करते तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है कि वैसे तो सबकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग है बट कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग करते हैं कुछ सेल ऑर्गेनलीज उनको क्या बोल देंगे एंडोमेम्रेन सिस्टम और कौन से चार सेल ऑर्गेनलीज इंक्लूड होंगे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम्स वैक्यूल्स इन चारों की एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड वे में होती है और जो जिनकी एक्टिविटी इनसे इंडिपेंडेंट है इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है वो इसके पार्ट एंडोमेम्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है जैसे माइट्रोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास परोक्सीजोम्स वगैरह अब इस पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही सेल ऑर्गेनाइजीज को पढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट कौन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसमें वर्ड है रेटिकुलम रेटिकुलम का क्या मतलब होता है नेटवर्क कि कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे एंडोप्लाज्म मतलब अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है लार्ज नेटवर्क है या नेटवर्क की जगह क्या वर्ड बोल दो रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं ट्यूबुल स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड हैं कहाँ हैं प्रेजेंट हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर की ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई यूगैरियोट्स में उसके आसपास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो एसोसिएट हैं बाहर साइटोप्लाज्म में उनको क्या बोलते हैं रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही यार अपने सरफेस पे आउटर सरफेस पे क्या बी रखते हैं क्या भी बियर करते हैं राइबोसोम कि राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं तो ई आर ओफन श्योर राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे क्या भी अटैच रहते हैं राइबोसोम तो वो ई ER आर जिनकी सरफेस पे बाहर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उनका सरफेस कैसा दिखता है रफ दिखता है उनका स्ट्रक्चर तो उनको क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ई आर बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर बोल देंगे और इन अब्सेंस ऑफ राइबोसोम कि ऐसा ई आर का स्ट्रक्चर जहाँ राइबोसोम अब्सेंट है दे अपीयर स्मूद एंड गोल्ड स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस सी आर तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के ई आर बोले जाएंगे आर ई आर विच बीयर राइबोसोम ऑन इट्स देयर आउटर सरफेस और एस ई आर जिनपे राइबोसोम्स अब्सेंट होंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी फंक्शनिंग फंक्शनिंग क्या परफॉर्म करेंगे तो जो आरई आर हैं जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम मेनली किस में, में फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं तो आर ई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन तो आरई आर का नंबर किन सेल्स में ज्यादा मिलेगा ऐसी सेल जो क्या करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस करती रहती हैं तो उन सेल के अंदर एस सी आर का नंबर कम मिलेगा किसका नंबर ज्यादा मिलेगा आरई आर ज्यादा मिलेगा क्योंकि उन सेल को क्या बनाना है प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो आर आर का मेन काम क्या है कि वो किस में हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके सरफेस पे क्या भी प्रेजेंट है राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं आरियार जबकि जो एस सी आर है वो मेजर साइट है किसके सिंथेसिस के लिए लिपिड के सिंथेसिस के लिए लिपिड बनाने के लिए कौन यूज होता है एस सी आर तो जो एनिमल सेल है एनिमल के अंदर क्या बनते हैं स्टीरोयड हारमोन्स बनते हैं स्टीरोड से डेरिवेटिव हारमोन्स होते हैं बहुत सारे तो वो सारे स्टीरोड हार्मोन कहा ही बनेंगे स्टीरोयड मतलब जो लिपिड से बने हुए हैं वो स्टीरोड हार्मोन कौन से पार्ट में बनेंगे एस में तो वो सेल्स जो एनिमल के अंदर जो स्टीरोड हार्मोन बनाती हैं तो उनके अंदर आरई आर का नंबर ज्यादा मिलेगा एस का तो उनके अंदर एस का नंबर ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो लिपिड सिंथिस कर रही हैं कुल स्टीरोड uh, हॉर्मोन्स बना रही हैं वो तो ये दो फंक्शन है आर ई आर मेनली मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल कर रही हैं और एस सी आर मिलेगा जो लिपिड से रिलेटेड चीजें सिंथेसाइज कर रही है जैसे स्टीरोड हारमोन्स बनाना तो उनके अंदर एस सी आर का नंबर ज्यादा मिलेगा ये इनकी मेन फंक्शनिंग है फिर इसी से एसोसिएट एंडोमेम्ब्रेन के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा आता है गोलजी अपरेटस गोलजी कॉम्प्लेक्स तो गोलजी अपरेटस को प्लांट्स के अंदर इनको क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम्स बोलते हैं तो ये फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किए थे साइंटिस्ट थे कैमिलो गोलगी उन्होंने डिस्क्राइब किए थे तो ऐसे ही लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं पैरल अरेंज सैक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं सिस्टर ने बोलते हैं इनको ये अरेंज रहते हैं तो ईर ER जो लगा रहता है रेटिकुलम उसके जस्ट बाद कौन मिलेगा कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा complex मिलने लग जाता है तो गोलजी फंक्शनिंग करते हैं ये फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है बाउंड स्ट्रक्चर -like है बैक लाइक स्ट्रक्चर है जो अरेंज है अप्रोक्सिमेटली पैरल टू इच अदर इन ए स्टैक लाइक सिस्टर ने ये सिस्टर ने इनके तो ये पैरल अरेंज सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं इनके, इनके अंदर अब है कि मेन को गोलजी ऑपरेटस भी क्या फंक्शनिंग करेगा तो गोलजी ऑपरेटस का सबसे मेन काम क्या रहता है पैकेजिंग करना ये डिफरेंट मटेरियल को पैक कर देता है उनकी पैकेजिंग करता है जिनको फिर ये आगे डिलीवर कर देता है तो गोलजी ऑपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रा सेलुलर टारगेट या तो वो जो जो चीज़ पैक की है वो सेल के अंदर ही कहीं पर भेजनी है या सीक्रेट करनी है आउटसाइड द सेल कि आर ई आर से कोई प्रोटीन बन के आई वो प्रोटीन यहाँ के क्या हो जाती है पैक हो जाती है मॉडिफाई हो जाती है फिर वो रिलीज हो जाएगी या तो वो सेल से बाहर चली जाएगी या कहीं इंटरसेलुलर टारगेट के पास ही चली जाएगी तो उसकी मॉडिफिकेशन होना पैकेजिंग होना वो कहाँ परफॉर्म होती है गोल्जी अपरेटस में होती है जो भी आर ई आर से बन के आ रही है उसके तो यानी कि कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथिसाइज बाई ऑन द ई आर जो आर ई आर था उसमें जो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी वो सारी काम मॉडिफाई होती हैं मॉडिफाई इन द सिस्टर्न ने ऑफ गोल्जी अपरेटस गोल्जी के सिस्टर वाले पार्ट में मॉडिफाई होती हैं वो सारी के सारी और वो यहाँ क्या भी बना देता है गोल्जी अपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन कि नॉर्मल प्रोटीन बन के आ रही है तो उसमें कौन सा पार्ट ऐड कर देगा वो ग्लाइको ग्लाइको मतलब शुगर कंपोनेंट उसमें ऐड कर देगा कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऐड कर देगा उसमें उसको ग्लाइको प्रोटीन बना देगा और या लिपिड आ रही है तो उसको क्या बनाएगा ग्लाइकोलिपिड बना देगा उसको उसको भी मॉडिफाई कर देगा तो यानी कि पैकेजिंग का काम करता है मेनली उसको मॉडिफाई करने का काम करता है गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी ऑपरेटस किस में भी इन्वॉल्व रहता है कौन से स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है लाइसोसोम्स बनाने में भी इन्वॉल्व रहता है गोल्जी ऑपरेटस तो ये इसके मेन फंक्शनिंग है गोल्जी ऑपरेटस से रिलेटेड फिर अब गोल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम बना रहा है तो अगला स्ट्रक्चर है इसमें लाइसोसोम्स तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर वेसिकल्स की फॉर्म में ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर तो कैसे बने फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटर्स गोल्जी ऑपरेटस में पैकेजिंग होके क्या निकले ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर निकले और उन्होंने क्या बनाया लाइसोजोम बट ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर हैं ये किससे भरे रहते हैं इनके अंदर क्या फिलअप रहता है लाइसोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंजाइम क्या किसके बने होते हैं प्रोटीन्स के तो ये क्या कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स कैसे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब एंजाइम्स तो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं तो वो प्रोटीन्स कहाँ बनेगी आर ई आर में तो वो एंजाइम्स कहाँ बने थे दीज एंजाइम्स आर मेड बाई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वो बनाए थे लेकिन वो फिर कांफ्यूज हुए लाइस गोलजी अपरेटस में गोलजी से निकल के उन्होंने इंडिपेंडेंट मेमरी बाउंड स्ट्रक्चर बना दिया कौन सा लाइसोसोम्स और ये किस में रिच रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के उनसे रहते हैं इट इज़ रिच इन ऑलमोस्ट ऑल्ड टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो ब्रेक डाउन कराते हैं हाइड्रोलेजिस बोलते हैं उनको हाइड्रोलेजीज जैसे लिपिड के लिए ब्रेक डाउन कराने के लिए कौन होता है लाइपेज प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराने के लिए प्रोटीजीज कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज जो ऑप्टिममली ये लाइसोजोम एक्टिव होता है कौन से पी पे एसिडिक पीएच पे नियरली फाइव पी कितना रहता है लाइसोजोम के अंदर फाइव के अराउंड जो एसिडिक पीएच है उस पर सारे काम करते हैं तो ये एंजाइम काम क्या कर सकते हैं दीज आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं ब्रेक डाउन करा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को जैसे कार्बोहाइड्रेज प्रोटीन को प्रोटीजीज लिपिड को लाइपे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज ये सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को क्या करा देते हैं डाइजेस्ट करा देते हैं ब्रेक डाउन करा देते हैं फिर ये ओवरऑल फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा लाइसोसोम कि दी हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरन मटीरियल कोई भी फॉरन मटीरियल आ गया वो मान लो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है कोई न्यूक्लिक एसिड है किसी स्ट्रक्चर की तो उन सबको क्या करा देते हैं ब्रेक डाउन करा देंगे सो दैट वो काम ही नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी में डिसफंक्शनल हो जाएगा तो कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनलीज कोई सेल ऑर्गेनलीज रप्चर हो गया फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो उसको भी ये खत्म कर देंगे तो ये इनका काम है फिर कह रहा है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबोलिज्म कि सेल का नॉर्मल मेटाबोलिज्म है नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई कि फॉर एग्जांपल मान लो सेल कैसे भी डैमेज हो गई अब वो फंक्शनिंग नहीं कर सकती तो उसका लाइसोजोम क्या कर जाता है बर्स कर जाता है रप्चर हो जाता है तो रप्चर हो जाएगा तो उसके सारे वो वाइडोलिटी एंजाइम्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे उसके साइटोप्लाज्म में और वो सारी चीज़ों को क्या कर देंगे डाइजेस्ट ब्रेक डाउन कर देंगे तोड़ देंगे तो ऐसे ही उस सेल की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं कि सुसाइडल बैग नहीं है कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबोलिज्म की सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ गया फॉर एग्जाम्पल कि वैन द सेल गेट डैमेज मान लो सेल कैसे ना कैसे डैमेज हो गई तो लाइसोजोम क्या कर जाते हैं बॉस्ट कर जाते हैं रप्चर हो जाते हैं एन एंड द एजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल और उसके जो एनजाइम्स है वो खुद की सेल की चीज़ों को प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे तो देयर फोर वो सेल की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली तो देयर फोर लाइसोजोम है उनको क्या भी बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ ए सेल सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल की सेल की। जब खुद की डेथ करानी होती है तो कौन रपच्चर हो जाता है लाइसोजोम रपच्चर हो जाता है और खुद की डेथ सेल कब कराती है जब उसमें मेटाबोलिज्म में गड़बड़ हो जाएगी सेलुलर मेटाबोलिज्म ठीक से परफॉर्म ना कर पाए सेलुलर एक्टिविटी उस टाइम पर लाइसोसोम की फंक्शन आता है और कैसे स्ट्रक्चर है मेमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कैसा पी रहता है एसिडिक पी एच के अराउंड पी रहेगा क्या कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं किससे बन के आए किससे पैकेजिंग होकर आए गोल्जी अपरेटस से बन के आते हैं इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो किसने बनाए हैं वो एंजेम्स तो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं तो किसने बनाए होंगे आर ने तो आर आर में आई फिर गोलजी में पैक हो गए और बाद में वो एक वैसिकल लाइक स्ट्रक्चर रिलीज हो गया जो क्या बोला गया जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या बोला गया लाइसोसोम्स अब अगला स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है वैक्यूल्स तो वैक्यूल क्या रहते हैं ये स्टोरेज लाइक स्ट्रक्चर है कि डिफरेंट चीजें हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं स्टोर करते रहते हैं और मेनली एक इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट उसको स्टोर करते रहते हैं और एनिमल में तो स्मॉल साइज के रहते हैं जबकि प्लांट में लार्ज साइज के रहते हैं लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं मेनली किन में ही मिलते हैं प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं और स्टोरेज का, का काम परफॉर्म करते हैं जैसे कि वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोम की तरह तो वैक्यूल्स इज बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन उस सिंगल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन क्या बोली जाती है टोनोप्लास्ट बोली जाती है और मेनली वैक्यूल्स के में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर तो प्लांट सेल के अंदर इनमें वाटर कंटेंट और सारी चीजें इनके अंदर फिलअप होती रहती हैं तो ये साइज इंक्रीज हो जाता है इसका बहुत सारा तो इन प्लांट सेल वैक्यूल क्या ऑक्यूपाई करेगा अप टू नाइनटी परसेंट फिफ्टी टू नाइन्टी परसेंट वॉल्यूम जो है सेल की वो सारी कौन ऑक्यूपाई करके रखता है वैक्यूली प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में किसी एक कॉर्नर में प्रेजेंट होगा मेन सारा सेंट्रल पार्ट भी और बड़ा एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा वैक्यूल्स ने नेक्यूपाई कर रखा होगा और प्लांट्स के अंदर जो ये वैक्यूल की मेमब्रेन है टोनोप्लास्ट वो क्या फैसिलिटेट करेगी ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल कि वो सारे आयन्स और वो सारी चीज़ें वैक्यूल के अंदर इकट्ठी होती रहेंगी रहेंगीमलेट होती रहेंगी अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मान लो कि ये वैक्यूल है तो वैक्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें जाती रहेंगी जबकि वैक्यूल के अंदर मान लो हाई कंटेंट उस चीज का और बाहर उसका अमाउंट लो है तो नॉर्मली कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि कोई चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करें हाई कंसेंट्रेशन टू लो मूव करे लेकिन अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है लो से वो किधर ही मूव करती रहे हाई की तरफ ही मूव करते रहे कि कोई आयन पहले यहां ही लपे वैक्यूल के अंदर फिर भी वो कहाँ ही जाने लग रहा है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ही जाने लग रहा है तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इस वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस मूवमेंट होता रहता है और प्लांट सेल में वैक्यूल फुल रहता है किसी से सेल से है सेल के जो ओवरऑल लिक्विड कंटेंट है और ओवरऑल सेल को क्या भी प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल के अंदर और वैक्यूल्स इसके अलावा प्लांट सेल में हैं थोड़े बहुत एनिमल सेल में हैं उनके अलावा किन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा एक प्रोटिस्ट है अमीबा उसके अंदर भी तो उनके अंदर वो जब फूड एंड करते हैं तो उनके अंदर क्या बन जाते हैं फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं बाई फोर फोन बाई एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल की जो फूड पार्टिकल एनगल्फ करेंगे तो उनके अंदर वो जो वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे बन जाएंगे फाइनली जो उनको क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल्स बोलते हैं तो उनके अंदर वो भी बनते हैं जबकि उनके अंदर और भी एक स्ट्रक्चर बनता है दूसरे उनको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये ऐसे वैक्यूल जो किस में फंक्शनिंग करेंगे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीसन जो जो भी वेस्ट चीज़ें हैं या एक्सेस पानी है उनके अंदर उसको बाहर निकालने में जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाहर चीज़ें बेकार चीज़ें स्प्लिट आउट कर देते हैं सेल से बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे बनते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बनते हैं अमीबा में और में पैरामीशियम में एक्सक्रीशन में जो हेल्प करते हैं बाई एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल की जो भी वेस्ट है या एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्ले करते हैं और अमीबा में फूड एंड गल्फ करके जो वेसिकल लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको फूड वैक्यूल बोल देंगे तो प्लांट के अलावा ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं प्रोटिस्ट वगैरह उनके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं तो ये मेन चार आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पार्ट पढ़ने पहला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसमें आर ई आर एस सी आर था आर ई आर जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा था एस सी आर लिपिड से रिलेटेड काम कर रहा था दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स आया जो पैकेजिंग करता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बना देता है और लाइसोजोम भी बनाता है फिर लाइसोजोम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन कर रहा था और सुसाइडल बैग की तरह काम कर रहा था कि रप्चर होने पे सेल को डेथ करा दे रहा था और लास्ट में चीज़ें स्टोर करने के लिए प्लांट सेल में मेनली कौन प्रेजेंट था एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन थी वो कौन था वैक्यूल प्रेजेंट था जो डिफरेंट चीज़ें अपने अंदर स्टोरेज करने लग रहा था और सेल को टर्जिडिटी भी रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा था और इसके अलावा प्लांट सेल के अलावा किसके अंदर भी प्रेजेंट था अमीबा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट वगैरह हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट था स्ट्रक्चर वैक्यूल फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में जो एनगल्फिंग ऑफ फूड से बना था और दूसरा एक्सक्रीशन में काम कर रहा था कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो एक्सेस वोटर था वेस्ट था उसको सेल से सिंगल सेल से बाहर निकालने में काम कर रहा था तो वो कौन था वैक्यूल तो ये चारों किस में इंक्लूड थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसके अलावा जो एंडोमेम्ब्रेन में नहीं है माइट्रोकोन्डाकलोरोप्लास पर ऑक्सीजन वो इंडिपेंडेंट है और ये सारे कैसे स्ट्रक्चर हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो किन में मिलेंगे प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में तो ये किन प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में तो ये सारे आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अच्छे से पढ़ना है